गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, हमारा नाश्ता लग चुका है, अभी हमारा स्टे उरई में ही है। अब हम निकलेंगे कहाँ के लिए? कानपुर। अब हम जा रहे हैं कानपुर। निक्की का सरप्राइज देने। कितना सिंपल है, इधर जाओ और इधर से निकलो। चलो ठीक है, नाश्ता करते हैं अभी हम, फिर आपसे। छोटू महादेव और ये है हमारे छोटे ब्लॉगर, कुछ बोलो तभी तो आपका चैनल में लोग आएंगे। कैसा चैनल है आपका? नाम बताओ। नाम तो बता दिया था उसने अपने। चलो, लारे मिर्जा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। छोटू महादेव श्री श्री गुन्नवा और लाल देव के भाई। फिर से बोलो जरा, अच्छा लगा। चलो ठीक है, अभी फिर गाड़ी की अपडेट आप लोगों को बाद में बताते हैं। जल्दी से यूट्यूब चैनल ही सुना मैंने। चाची ने सुबह सुबह बनाए हैं गर्मा गर्म पोहा, ब्रेड और हलवा, नमकीन टोस्ट, और ये है उरई की जलेबी, जो कि मैं पहले बहुत बहुत ज्यादा खाती थी, लेकिन अभी चाय पीते पहले। चलते हैं, जल्दी आएंगे, जल्दी आना। बाय बाय उरई को मेरा, बाय बाय। आ गए ना जरा? रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन टू लखनऊ वाया कानपुर सेंट्रल विल अराइव शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। बुड्ढों की और बच्चों की कुछ कह नहीं सकते। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या AAA09 वीरांगना लक्ष्मीबाई लखनऊ इंटरसिटी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन से चलकर कानपुर सेंट्रल के रास्ते लखनऊ को जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर A पर आने वाली है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1109। बम्बई थोड़ी ना है तो समंदर होगा। ये पुल है कोई? ये नमूना नमूना नहीं है, नमूना 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 नमूना। मुझे भी तो देखना है मम्मा। फिश, शिप, शिप, वो सॉरी शिप नहीं है, बोट है, बोट। ओके, तो फाइनली हम कानपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इन दोनों की गपशप हो गई चालू। अभी हम लोग निकलेंगे और घर पे आप लोग देखना निक्की का रिएक्ट, बिकॉज निक्की को बिल्कुल भी नहीं आइडिया के कौन आ रहा है। हमने भाई को मना कर दी थी। अभी चलो चलते हैं, हमारी गाड़ी देखने जा रही है और ये लोग आगे निकल गए और बैठे बैठे थक गए। चलो अभी मोबाइल बंद करती हूँ, आगे की वीडियो बाद में बनाती हूँ। और ट्रेन में इतना ज्यादा रश था ना कि मैंने तो वहाँ मोबाइल ही नहीं निकाला, बस थोड़ा सा वीडियो के लिए निकालने की कोशिश की तो थोड़ा सा बनाए, फिर उसके बाद फिर से रख दिया था। और अभी जल्दी से मुझे इतनी एक्साइटेड हो रही है कि मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इस बस निक्की के पास पहुंच जाऊं और उसको कस के हग करूं और उसका रिएक्शन देखूं कि मतलब
कैसा होगा और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनको कुदरात में बताया था। ठीक है, आप सब जा रहे हैं तो सरप्राइज देंगे ना। आयु को पता था खाला आ रही है। कैसे ऐसे पानी दिया जाता है। अच्छा, मिलने के बाद तो मैं जैसे कि वीडियो बनाना ही भूल गई, बस निक्की से मिली, काफी बातें करने लगी, किचन में निक्की के साथ पहुंच गई बिकॉज मॉर्निंग का टाइम था और घर में काम भी होते हैं और भाई ने बहुत सारा नाश्ता ना चुपके से लाकर रखा था घर में, तो बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये सामने जो बैठी हुई है पिंक ग्रीन कलर का सूट पहने वो आंटी की फ्रेंड है और स्टॉल ओढ़े बैठी है वो सास है निक्की की और साइड में जो बैठे हैं ना वो देवर हैं। तो अभी मैंने फिलहाल इतना बता दिया, एक और देवर है निक्की के जो कि अभी पढ़ाई वगैरह में लगे हुए हैं और एक और बड़े हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह वीडियो में आगे आप सबको मिलवाऊंगी। हाय करो। इतनी वीडियो बहुत अच्छी बनती है। मम्मी गाइस, ये मेरा मार्शमेलो देखते सबसे टाइम जीतता है। मम्मी मुझे भी थोड़ा खिला खिला दी। देखो प्यार कैसे खिला रही है। हाँ, सबसे ऊपर जा रहे हैं। चलो देखो ये लगा है निक्की के घर में बेरी का कितना बड़ा पेड़। और ये रखे हैं इस पेड़ के बेर, सब जगह आपको बेरी बेर देखेंगे। बेर बेर बेर। चलो चलो, पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत सारे बेर गिरते हैं बट मैं बेर खाती नहीं हूँ। ये भी आ गई। चलो चलो चलो, ये है यहाँ से निक्की की आंगन। नहा लिया आंटी ने? चलो हाँ ऊपर चलो, ऊपर चलो। हाँ अभी बारी से नहीं तो दिल जाएंगे। हाँ तो फिर चलो अभी मैं अभी रुको। हाँ रुके हैं रुके हैं। हाँ नहीं होता है, तोड़ तोड़ के खाने का बहुत मन होता है। देखना कितने सारे हैं ये बेर बेर। अच्छा बीच में बेर नहीं है ज्यादा। बहुत है, दिखते नहीं है वो, है ना। हाँ तोड़ के खाने की तो फिर बात ही अलग है। और पेड़ पे से कुछ, अच्छा पेड़ पे फल लगे होते हैं ना तो कितने अच्छे लगते हैं। ये सबसे छोटा है जी, सबसे छोटा बगीचा है। ये थोड़े बड़े इसमें पत्ते कम दिख रहे हैं, बेर ज्यादा दिख रहा है।
पेड़ में जो फल लगा रहता है ना, तो पेड़ की शो इतनी बढ़ जाती है, चार चांद लग जाते हैं उसमें और खूबसूरत हो जाता है पेड़। बस अब पतझड़ का महीना आने वाला है। और उसके बाद हमने खाया खाना। खाने में निक्की ने बनाया था कलेजी, या कलेजी थी और रोटियां बनाई थी, दाल चावल भी थे, तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। और बस इसी के साथ अभी फिलहाल यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे हम निक्की के साथ मिलकर, इसीलिए मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया।